गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने जियो में जो है 8th क्लास में स्टार्ट किया हुआ है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें हमने जो रीड किया था वाटरवेज के बारे में रीड किया था एंड जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो हमने रीड किए, चाहे वो वाटर है, लैंड है या एयर ट्रांसपोर्ट है। जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था दैट वॉज इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी रीड की थी एंड इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमने नॉर्थ अमेरिका में जितने इनलैंड वाटरवेज थे वो हमने रीड किए थे। अब हम बात कर रहे हैं यूरोप की। यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, द नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन रशिया आर सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप विच हैव डेवलप्ड इनलैंड वाटरवेज। अ वेल नीट क्लोज नेटवर्क ऑफ इनलैंड वाटरवेज हैज बीन डेवलप्ड अलोंग द रिवर साइने, रोन, सीने, मुस्क, वैसेर, एम्स, एल्बे, ओडर, दनुबे, डाइपर, डोन, वोल्गा एट्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर इंटरकनेक्टेड, मतलब जितनी भी ये नदियाँ हैं वो क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू कैनल्स, कैनल्स के थ्रू। वन कैन ट्रेवल थ्रू रिवर्स एंड कैनल्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ सी। ओके, इसमें हमने यूरोप के बारे में रीड किया कि कौन कौन से जो हैं कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं एंड द राइने। सबसे पहले हम राइने के बारे में रीड करेंगे, रिवर के बारे में। द राइने रिवर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट डेवलप्ड इनलैंड वाटरवे ऑफ यूरोप। यूरोप का सबसे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और डेवलप इनलैंड वाटरवे है। इट इज़ द मोस्ट इंटेंसिवली यूज नेविगेबल रिवर इन द वर्ल्ड। इट फ्लोज थ्रू द हार्ट ऑफ यूरोप एंड प्रोवाइड्स नेविगेशनल फैसिलिटीज टू स्विट्जरलैंड। मतलब ये जो है यूरोप के हार्ट से जो है बहना स्टार्ट करती हैं, हार्ट मतलब इंटीरियर से जो है बहना स्टार्ट करती हैं और ये फैसिलिटीज देती हैं किसको, टू स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। इट इज़ नेविगेबल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 700 किलोमीटर फ्रॉम रोथरडैम ऑन द नॉर्थ सी टू बेसलेन, स्विट्जरलैंड। इट सर्व्स द हाईली इंडस्ट्रियलाइज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ यूरोप। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट हैविली यूज इनलैंड वाटरवे। ईच ईयर मोर देन 20,000 ओशियन गोइंग ships एंड 260,000 इनलैंड vessels चेंज their cargo. रोटरडैम एंड Antwerp in the Netherlands are important seaports on the Upper Rhine. A system of navigation canals connect the Rhine River with Rhone on one hand and Danube across Bavaria on the other hand. In this way, the North Sea is connected with the Mediterranean Sea. मतलब जो North Sea है वो connected है, जुड़ा हुआ है किसके साथ, Mediterranean Sea के साथ, and Black Sea by inland waterways. Several other rivers such as साइने, वैसेर, एल्बे, ओडेर एंड विस्टूला आर कनेक्टेड टू, मतलब ये सब जो नदियाँ हैं वो कनेक्टेड हैं किससे, राइने रिवर थ्रू आ नेटवर्क ऑफ कैनल्स। द राइने रोन कैनल कनेक्ट्स द रिवर राइने विद द रिवर रोन। दीज टू रिवर्स फॉर्म द एक्सेस ऑन विच ट्रेड इंगेज इन द होल ऑफ कॉमन मार्केट। ओके, तो हमने इसमें किसके बारे में रीड किया, राइने रिवर के बारे में रीड किया। आगे जो है दनुबे वाटरवे एंड द वोल्गा, ये सब जो है आपको वाटरवेज के पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो, हमने पहले जो है एशिया के बारे में रीड किया, अब जो है सॉरी यूरोप के बारे में रीड किया था, ठीक है। अब जो है एशिया के बारे में है, चाइना के बारे में है, चाइना में काफ़ी सारी जो है रिवर्स हैं, रिवर्स के थ्रू जो है काफ़ी सारे जो वाटरवेज के बारे में आपको बताया गया। फिर इंडिया में है, इंडिया ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ इनलैंड वाटरवेज। द गंगा इज़ द नेशनल वाटरवे, गंगा जो है वो नेशनल वाटरवे है एंड इज़ नेविगेबल अप टू पटना। द ब्रह्मपुत्र इज़ ऑल्सो नेविगेबल अप टू दिब्रूगढ़। There is a regular steamer service between India and Bangladesh through Sundarbans. मतलब इसमें आपको इंडिया के बारे में बताया गया, उसके बाद है साउथ अमेरिका, अकॉर्डिंग टू प्लेसेस आपको बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद यूरोप है, यूरोप के बाद जो है आपको मेन एशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अमेरिका, इन सब अकॉर्डिंग टू प्लेस बताया गया है। लास्ट में प्राणा प्रोगे वाटरवे है, इनके बारे में आपको अच्छे से रीड करना है, कौन कौन से प्लेसेस को ये कनेक्ट करते हैं और कौन कौन से प्लेसेस में कितना डिस्टेंस जो है ये कवर करते हैं। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसमें एक मैप है,
उस मैप में क्या है, यूरोप इनलैंड वाटरवेज, यूरोप में जो भी इनलैंड वाटरवेज हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। इंडेक्स में क्या है, मेजर रिवर्स बताई गई हैं, मेजर वाटरवेज बताए गए हैं। मेजर रिवर्स जो हैं एक सिंगल लाइन के थ्रू आपको बताई गई हैं, जैसे कि ये है जो लाइट लाइन के थ्रू आपको सारी बताई गई हैं, और जो मेजर वाटरवेज हैं वो डार्क लाइन के थ्रू शो की गई हैं, लाइक डिनेपर है एंड काफ़ी सारे दनूबे है, ठीक है। तो ये आपने मैप जो है देखना है, जब आप क्लास में आओगे तो हम आप अच्छे से डिस्कस करेंगे इस मैप के बारे में। उसके बाद जो है एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट में हम रीड करेंगे, मॉडर्न एज इज़ नोन एज द एयर एज, द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज डेवलप्ड इन द अर्ली 20th century, वर्ल्ड वॉर्स एक्सलरेटेड द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स, मतलब लास्ट 50 ईयर्स से जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी डेवलप हुआ है। द मैनुफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड देयर ऑपरेशन रिक्वायर एलेबोरेट अरेंजमेंट्स, हैंगर, लैंडिंग, फ्यूलिंग एंड मेंटेनिंग फैसिलिटीज एट सच एयर ट्रांसपोर्ट इज यूज ओनली फॉर हाई वैल्यू गुड्स एंड पैसेंजर्स। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, हाई वैल्यू गुड्स और पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या है टाइम भी काफ़ी कम लगता है और जल्दी से हम अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चीफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएँ हैं वो बताई गई हैं। दिस इज़ द फास्टेस्ट एंड द कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे जल्दी हम पहुंच जाते हैं और इसमें क्या है पैसा लेकिन हमारा जो है वो ज़्यादा लगता है। एंड हैवी कमोडिटीज़ ऑफ लो स्पेसिफिक वैल्यू कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, हैवी जो कमोडिटीज़ होती हैं और जो लो स्पेसिफिक वैल्यू वाली होती हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता बाय एयर। दिस इज़ मोस्ट सूटेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लाइट कॉस्टली एंड पैरिशेबल कमोडिटीज़, पैरिशेबल मतलब जो जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं या लाइट वेट की होती हैं, उन्हें जो है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम सूट करता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वाइडली यूज फॉर सप्लाइंग फूड एंड मेडिसिन टू पीपल हिट बाय नेचुरल क्लैमिटीज सच एज फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक एट्सेट्रा। आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी प्लेस पर फ्लड या अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उसकी जो हेल्प अगर हम करना चाहते हैं तो वो हम देखते हैं कि बाय एयर की जाती है, उनको फूड सप्लाई करके या जो भी उन्हें नीड होती है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है उन्हें बाय एयर जो है सप्लाई किया जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मेन स्ट्रेंथ ऑफ आ कंट्री इन द इवेंट ऑफ आ वॉर, अगर वॉर की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है मेन स्ट्रेंथ मानी जाती है। बाय एयर जो है हम यूज़ करके वॉर जो उस टाइम पर कंडीशंस होती हैं उनसे लड़ सकते हैं या उसको फेस कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन माउंटेनियस एरियाज वेयर रोड्स एंड रेलवेज कैन नॉट बी इजीली कंस्ट्रक्टेड, जिन प्लेसेस पर जैसे माउंटेनियस एरियाज हैं जहाँ पर रोड्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता या काफ़ी मुश्किल होता है, रेलवेज वगैरह का हम फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वहाँ पर हम एयर फैसिलिटी जो है बाय एयर जो है अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, डिसएडवांटेजेस में क्या है, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्टली मतलब काफ़ी पैसा जो है हमें खर्च करना पड़ता है अगर हम बाय एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड इट, सिर्फ रिच पीपल जो हैं अमीर लोग जो हैं वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। फ्लाइट्स कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन बैड वेदर, जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट नहीं की जा सकती अगर वेदर जो है वो अच्छा नहीं है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं हैं तो फ्लाइट्स जो है कैंसिल हो जाती हैं। एक्सीडेंट्स एंड हाइजैकिंग्स ऑफ प्लेन्स हैव बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम दीज डेज, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है बाय एयर अगर ट्रैवल करते हैं तो एक्सीडेंट्स या हाईजैक हो जाता है जो प्लेन होता है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स में चेंज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एंड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट सच एज कॉनकॉर्ड हैज़ बीन डेवलप्ड नाउ विच कैन कवर द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड लंडन विद इन 3.5 आवर्स, मतलब इसमें जहाँ हमें अगर काफ़ी दिनों में अपना ट्रैवल ख़त्म करना होता है, अपनी जो मतलब अगर हम कहीं जाना चाहते हैं किसी प्लेस पर, अगर हम बाई जैसे रेलवेज वगैरह का यूज़ करते हैं तो अगर हमें काफ़ी दिन लगते हैं, तो अगर हम बाई एयर जाते हैं तो कुछ ही घंटों में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। टाइम की तो हमारी बचत है लेकिन जो पैसा है वो ज़्यादा हमें पे करना पड़ता है। ओके उसके बाद है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट की जो है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताया गया है। फिगर 8.9 शोज दैट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी अनइवन,
जो फिगर 8.9 की बात की गई है वर्ल्ड मेजर एयर रूट्स, इससे आपको जो पता है पता चल रहा है एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी अनइवन है, कहीं पर जो है ये फैसिलिटी ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। एंड वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए एंड साउथ ईस्ट एशिया हैव डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट, मेजर एयर रूट्स कन्वर्ज एट रेडिएट फ्रॉम अ फ्यू इंपॉर्टेंट नोडल पॉइंट्स। ना मेजर नोडल पॉइंट्स इंक्लूड लंदन, पेरिस, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेल्स एंड शिकागो, न्यूयॉर्क एंड रियो डी जेनेरो एट्सेट्रा। सोवियत एशिया एंड अफ्रीका लैक एयर सर्विसेज, लैक मतलब वहाँ पर कमी है एयर सर्विसेज की। फिगर 8.9 ऑल्सो शोज दैट देयर इज अ डिस्टिंक्ट बेल्ट ऑफ एयर रूट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द मिड लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्थन एमिस्फीयर। द यूएसए अलोन अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो यूएसए है वो अकेला कितना परसेंट एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड लेता है, 60% अकेला ही उसका जो है उस वहाँ पर परसेंटेज है एयरवेज की। अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया एंड साउथ अमेरिका लैक एयर सर्विसेज, यहाँ पर जो है एयर सर्विसेज की कमी है। देयर आर लिमिटेड एयर सर्विसेज बिटवीन 10 to 35 लैटिट्यूड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू स्पार्सर पॉपुलेशन, लिमिटेड लैंडमास एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ये आपको रीजंस बता दिए गए हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स इज कॉस्टली, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है एयरपोर्ट्स की काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, पैसा काफ़ी खर्च करना पड़ता है। एंड कम्बर्सम प्रोसेस बिकॉज दे रिक्वायर वाइड रेंजिंग फैसिलिटीज फॉर पैसेंजर्स, गुड्स एंड एयरक्राफ्ट। एज सच दे आर लार्जली डेवलप्ड इन एडवांस कंट्रीज वेयर देयर इज सफिशेंटली लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। लंडन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, शिकागो, टोक्यो एंड सिंगापुर आर सम ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये जो है वर्ल्ड के काफ़ी बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से कुछ आपको नेम बताए गए हैं। ओके, तो आपने जो है लर्न करना है, रीड करना है इस लेसन में जो इनलैंड वाटरवेज हैं ये सब रीड करने हैं। जैसे यूरोप में आपको राइने रिवर के बारे में बताया गया, डोनोबे वाटरवे के बारे में बताया गया, उसके बाद जो है एशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अमेरिका के बारे में आपने रीड करना है, प्राना प्रोगे ऑफ वाटरवे के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट में आपने उसकी करेक्टरिस्टिक्स और डिसएडवांटेजेस के बारे में एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने इस लेसन में रीड करना है। और जो नोट्स हैं इस लेसन के आपको साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।